आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्र निर्माण एवं सीपीएसईज नाम से प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। 12 जून तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सीपीएसई यानी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा दिए जा रहे योगदान को बड़े ही बेहतरीन तरीके से प्रदर्शित किया गया है। देश के विकास में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, जिससे लोगों को अवगत कराने के लिए DFCCIL ने इस प्रदर्शनी में अपना स्टॉल लगाया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस स्टॉल का दौरा किया और DFC के परिचालन, प्रगति और भविष्य में बनने वाले कॉरिडोर्स के बारे में अवगत हुए। DFCCIL के ग्रुप जनरल मैनेजर नीरज वर्मा ने वित्त मंत्री को फ्रेट कॉरिडोर से जुड़े विषयों पर विस्तार से जानकारी दी। फाइनेंस मिनिस्टर को हम लोगों ने बेसिकली ये बताया कि हम लोगों के जो वेस्टर्न कॉरिडोर है और ईस्टर्न कॉरिडोर है वो किस तरीके से रन कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने बहुत ज़्यादा ये इंटरेस्ट दिखाया कि क्या क्या सेक्शन जो है वो उस पर ऑलरेडी रेलगाड़ियाँ चल रही हैं और उसके क्या क्या फ़ायदे पहुँच रहे हैं। हम लोग का जो सेक्शन है वो लगभग 565 किलोमीटर गुजरात के थ्रू गुजरता है। हमारा वेस्टर्न कॉरिडोर है जो कि इट इज़ नियरिंग कम्प्लीशन और यहाँ पर सारे सेंट्रल जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं उनका जो एग्जीबिशन लगा है उसमें हम लोगों ने अपना बताया है कि यहाँ पे क्या क्या हम लोग बिजनेस डेवलपमेंट साइड में और किस तरीके से ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आने से रेलवेज में एक नई गति प्राप्त होगी और यूनिट कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है लॉजिस्टिक्स का वो कैसे कम होगा। DFCCIL द्वारा ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। इससे देश के औद्योगिक विकास में तेजी आ रही है और देश आर्थिक तौर पर और भी ज्यादा मजबूत बन रहा है।